नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। बिलारी क्षेत्र में नवनिर्मित गौ संरक्षण केंद्र में छुट्टा गोवंश की जगह घरेलू गोवंश लिए जाने को लेकर भारतीय किसान संघ ने उप जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। उप जिलाधिकारी द्वारा किसानों की मांग मान लिए जाने पर भारतीय किसान संघ ने धरना किया स्थगित। बिलारी के ग्राम हाजीपुर बृहद गौ संरक्षण में छुट्टा गोवंश को न लेने पर भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा जिला अध्यक्ष तेजभान सिंह राघव के नेतृत्व में किसानों की समस्याओं को सुनकर उप जिला अधिकारी बिलारी को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने कहा कि घरेलू गाय को गौशाला में न लेकर छुट्टा गोवंश को लिया जाए। भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष तेजभान सिंह राघव ने कहा कि गौशाला का प्रबंध जिस संगठन को दिया गया है उसका किसानों के प्रति व्यवहार सही नहीं है। इस संगठन के लोग गौशाला की व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। गौशाला के नाम पर किसानों से पैसा इकट्ठा करके गौशाला में भी नहीं लगा रहे हैं। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, लेकिन जब किसान गौशाला में जाते हैं तो पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया जाता है, जिसका भारतीय किसान संघ विरोध करता है। जिला अध्यक्ष ने कहा, यदि उपरोक्त समस्याओं का समाधान तत्काल नहीं होता है तो भारतीय किसान संघ कल 12 बजे से धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होगा। तो उप जिलाधिकारी बिलारी ने आश्वासन देते हुए कहा कि सबसे पहले आसपास के गाँव वालों को प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद अन्य गोवंशों को लिया जाएगा। पहले नवनिर्मित गौशाला की व्यवस्था को ठीक किया जाएगा और 14 जनवरी तक कोई भी गोवंश गौशाला में नहीं लिया जाएगा। इस पर जिला अध्यक्ष ने धरना स्थगित कर 14 जनवरी तक का इंतजार करने को कहा। ज्ञापन देने पहुंचे भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष राजपाल सिंह यादव, विजेंद्र सिंह मौर्य, रामवीर सिंह दिवाकर, प्रदीप कुमार रोहताश यादव, नरेश कुमार, अशोक कुमार, बॉबी यादव, शंकर लाल, मदन लाल, विजय कुमार आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मैं राजपाल सिंह यादव, भारतीय किसान संघ ब्लॉक अध्यक्ष बिलारी। हम यहाँ के सभी किसानों की एक सबसे बड़ी समस्या है जो छुट्टा पशु हैं उनकी समस्या। यहाँ जो गाय के समूह हैं वो 100-100 गाय के कई समूह हैं जो एक बार में ही पूरे खेत को एक बार में नष्ट कर देती है। वो फसल बिल्कुल, वो किसान बर्बाद हो जाता है जिस खेत में पहुँच जाए। हमारा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि सबसे पहले जो छुट्टा गायों के समूह हैं वो पकड़े जाएँ और इस गौशाला में उनको प्रवेश किया जाए। जो घर से जिन गाय ने दूध देना बंद कर दिया है वो लोग लाए, अपने शोर सिफारिश बिठाई और वो इसमें एंट्री करा दी। ऐसी गाय अब तक इसमें आई हैं। जो छुट्टा गाय का समूह है उसमें से अभी तक कोई गाय नहीं पकड़ी गई है, ना इसमें किसी गाय की एंट्री हुई है अभी तक। यहाँ क्या हुआ कि जिसका जुगाड़ लगा उसने अपने घर की गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो वो गौशाला में अपना छोड़ आया। जो सबसे ज़्यादा नुकसान है हमारे क्षेत्र को, जहाँ ये छुट्टा गायों के बहुत बहुत बड़े समूह हैं, 100-100 गाय के समूह हैं जो एक खेत में अगर एक बार में एंट्री कर गई, पहुंच गई, तो वो फसल को बिल्कुल ही बर्बाद कर देती हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान जो पहले की छुट्टा गायों के समूह हैं उनसे सबसे ज़्यादा किसान को नुकसान है। वो गाय पकड़ी जाए और इसमें एंट्री कराई जाए। जो बाहर की गाय हैं, जो लोग लाए के साथ गौशाला ले जा रहे हैं, गौशाला में एंट्री नहीं हुई तो वो बस यहीं इर्द गिर्द आसपास वो छोड़ के चले गए। ऐसी गायों की एंट्री बंद होनी चाहिए क्योंकि हमारा क्षेत्र तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। पहले से और संख्या बढ़ रही है, यहाँ घट नहीं रही है, पहले से संख्या बढ़ रही है। क्योंकि पहले की जो हमारा जो गायें थी जिनका समूह था बहुत बहुत बड़ा, 100-100 गाय का समूह है वो यहाँ के क्षेत्र के सभी को मालूम है और एक बार में फसल को नष्ट कर देती हैं। वो गाय की एंट्री होनी चाहिए और जो बाहर की गाय हैं जैसे पालतू गाय। मैं श्रीपाल यादव, ग्राम खानपुर से भारतीय किसान संघ का जैविक प्रमुख हूँ बिलारी का। सरकार द्वारा हमारे गांव हाजीपुर में एक गौशाला का निर्माण कराया गया, जिससे हमारे सभी गांव के आसपास के जो गांव हैं, हाजीपुर, खानपुर, देवरी, दिनोरा, खाता और हमजापुर, सब लोगों को ये उम्मीद थी कि इससे हमें जो हमारी जंगली गाय खेतों को चरती हैं उससे राहत मिलेगी। बहुत खुश थे हम लोग, लेकिन हुआ ये, सरकार ने इसकी व्यवस्था किसी ऐसे आदमी के हाथ में दे दी जो हमारी जो जंगली गाय जो समूह पहले से घूम रहा था हमारे क्षेत्र में नुकसान कर रहा था, वो तो जैसे का तैसा ही घूम रहा है, पूरी फसलें नष्ट कर रहा है। एक एक समूह 100-100 गायों का है, ऐसे कई समूह हैं हाजीपुर, खानपुर, देवरी और दिनोरा में जो हमारी फसलों को नष्ट कर रहे हैं। आज तक कोई भी उस समूह की गाय गौशाला में नहीं आई है और यदि हम
गांव के रहने वाले जो किसान हैं उस गौशाला में उन आवारा गांवों को अंदर करने के लिए कहते हैं, तो प्रशासन द्वारा हमारे किसानों को प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें मारा जाता है, गौशाला की तरफ नहीं जाने दिया जाता है। और इसके जो ठेकेदार हैं गौशाला के, वो बाहर से गाय जो किसान अपने घर में पाल रहे थे उन गांवों को बताते हैं यहाँ के लोग कि 2-2 हज़ार रुपये लेके अंदर करा रहे हैं। और कुछ लोग जो बाहर से गाय ला रहे हैं वो अंदर नहीं जा पा रही हैं, तो हमारे गांव खानपुर, हाजीपुर और देवरी धनौरा में छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ गौशाला लगी हुई है। इससे हमारे क्षेत्र के किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और ये नुकसान ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये नुकसान का केंद्र बन गया है एक गौशाला। तेजवान सिंह, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान संघ मुरादाबाद। आज हाजीपुर गांव में किसानों की पंचायत हुई है, जिसमें तुम्हारे खानपुर, देवरी, धनौरा, अमरपुर काशी, खाता आदि गाँव के हैं किसान उपस्थित हुए हैं। इनकी मांग ये है कि जो किसानों के छुट्टा गोवंश था, जिससे किसान परेशान था, रात भर जाग रहा था, इस गोवंश की समस्या दूर करने के लिए सरकार ने गौशाला का निर्माण कराया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो गौशाला के नाम पर सीधे घरेलू गाय वहाँ पहुँचा रहे हैं, 2 हज़ार रुपये लेकर प्रति गाय पे वो गाय वहाँ पहुँच रही हैं, और जो किसानों की गाय है वो अभी भी खेतों में है, किसान बराबर जाग रहे हैं। मेरे पीछे सैकड़ों किसान खड़े होंगे, आप दिख रहे होंगे, ये किसान जागकर गाय गोवंश से रक्षा कर रहे हैं फसलों की। किसान दिन भर काम करेगा, रात में रक्षा करेगा गायों की, तो किसान की स्थिति तो बहुत ख़राब हो रही है, फसल चौपट हो रही है। उस समस्या को दूर करने के लिए गौशाला का निर्माण हुआ। इसके हम लोग किसानों को बहुत उम्मीद थी कि इस गौशाला के खुलने से हमारी समस्याएँ दूर होंगी, लेकिन उसके बल्दे में यदि किसान अपनी गायों को लेकर वहाँ पहुँच रहे हैं तो उन पर लाठीचार्ज हो रहा है। और कई हमारे ऐसे किसान हैं, कई एक विकलांग किसान हैं, इस गांव के हाजीपुर के चौकीदार, यहां तक कि इस गांव के हाजीपुर के ग्राम प्रधान तक को नहीं बख्शा गया उस दिन, और कुछ लोगों के कहने पर पुलिस ने बल प्रयोग किया किसानों का। भारतीय किसान संघ उसका विरोध करता है, और आज हमने बैठक की है, निर्णय लिया है, एजीएम साहब बिलाई से मिलेंगे, हम लोग ज्ञापन देंगे, उसमें हमारी ये मांग है कि जो हमारा छुट्टा गोवंश है हमारे खेतों में घूम रहा है उसको अंदर किया जाए, ना कि लोग घरों से ला ला के रस्सियाँ काट काट के जिनके टैग लगे पड़े हैं उन गायों को बाहर से पहुँचा जा रहा है। क्या हमारे आसपास के गांव हैं इस गौशाला के, क्या वो जो गाय छुट्टा गोवंश है उनका समाधान नहीं होगा क्या? ये गौशाला केवल पूरे मुरादाबाद जिले के लिए खुली हुई है, ये गाय कहाँ जाएंगी? 2-4 गाय अंदर कर ली गई, उससे क्या समस्या, इसके क्षेत्र की समस्या का समाधान हो जाएगा? हम सबकी मांग ये है कि हमारा जो छुट्टा गोवंश इन खेतों में नुकसान पहुँचा रहा है इसको अंदर किया जाए, और यदि नहीं किया जाता तो भारतीय किसान संघ के बैनर तले हम लोग कल से ही आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं दिन रात गोवंश बाहर से लाया जा रहा है, उसको भरा जा रहा है। तो ये जो हमारा गोवंश है कि ये जो छुट्टा गोवंश, इसकी कहीं जगह नहीं मिलेगी क्या? हम लोग रात भर जागते रहेंगे, और लोगों के लिए सुविधा करी जा रही है, हमारे जो आसपास के गाँव में 6-7 वो परेशान हैं, और लोग ला रहे हैं और यहीं आसपास छोड़ के जा रहे हैं, गौशाला के बाहर भी छोड़ के जा रहे हैं। तीसरा, गौशाला की जो बाउंड्री है वो इतनी कमज़ोर है, पिलर खड़े कर दिए हैं, मजबूत पिलर नहीं है, जाली लगा दी है, गाय उसमें से कूद कूद के किसानों की खेतों में आ रही हैं और वो नुकसान कर रही हैं। संख्या यहाँ घटने की बजाय गायों की बढ़ और गई, जो किसान चाह रहे थे कि समस्या समाधान होगा, समाधान की जगह बढ़ गई। और कोई किसान भाई हमारा चाहता है कि हम उसमें गौशाला में जाएँ, सहयोग करें, देखें व्यवस्था, तो उनको ये कह दिया जाता है कि हम पुलिस से तुम्हें लाठीचार्ज करा देंगे, पिटवा देंगे, मुकदमे लगवा देंगे। तो ये गौशाला किसानों की समस्या का समाधान के लिए बनाई गई है, या किसानों के सामने समस्या खड़ी करने के लिए बनाई गई है? तो हमारा प्रशासन से ये वो है, किसानों के संग बल प्रयोग जो हुआ पीछे, इसका हम बहुत लोग खंडन करते हैं, किसान संघ खंडन कर रहा है। किसान कोई अपराधी नहीं है जिस पर आप लाठीचार्ज करेंगे। आप बैठ के, किसान हमारा देश के लिए काम करता है, उससे बैठ के आप बात कर सकते थे, बैठ के बात करते, लाठीचार्ज करने का ये क्या संदेश? कुछ लोग जो सरकार की जो स्कीम है गौशाला की, इसको कुछ लोग गलत तरीके से प्रचारित करके उसको पूरा तरह से फेल करना चाह रहे हैं, और किसान और प्रशासन के बीच में जो सामंजस्य बनना चाहिए उसको नहीं बनने दे रहे। कुछ लोग इसके गौशाला के ठेकेदार बन के बैठ गए हैं, और वो ही तय कर रहे हैं कि इस गौशाला में क्या होना चाहिए।